आम चुनाव से पहले बीजेपी के सभी दांव उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी युवाओं के सहारे पार्टी की नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन छात्र और युवा संगठन मोदी सरकार की नीतियों से बेहद खफा है। बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ को लेकर जहां युवाओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार को आईना दिखाया है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले देश के युवाओं को अच्छे दिन का सपना दिखाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, मगर युवा आज भी अच्छे दिनों का सपना देख रहे हैं। इस पर जब देश की जनता सरकार से हिसाब मांगती है, तो पीएम मोदी अपनी नाकामियों का ठीकरा पूर्व की मनमोहन सरकार पर फोड़ देते हैं। पीएम मोदी के इन्हीं आरोपों पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार को आईना दिखाया। मनमोहन सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र का बढ़ता संकट, रोजगार के कम होते अवसर, वातावरण में आती गिरावट और विभाजनकारी ताकतों के कार्यरत रहने से देश के सामने आज चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। दरअसल मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। यहां पूर्व पीएम ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि अब तक रोजगार विहीन वृद्धि ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, जिससे आज युवाओं में असंतोष पैदा हो रहा है। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास असफल रहे हैं। औद्योगिक वृद्धि दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। संपत्ति और रोजगार के अवसरों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने वाले लघु असंगठित क्षेत्र को विनाशकारी नोटबंदी और जीएसटी के लापरवाही भरे तरीके से लागू करने से भारी नुकसान हुआ है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष में रहकर कांग्रेस की नाकामियां गिनवाई थी, मगर अब बारी कांग्रेस की है, इसलिए वो भी हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी जनता को बीजेपी की हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।